सामने रख दिया। कई घंटों तक थाने के बाहर समाजजन और परिजन धरने पर बैठे रहे, जहां प्रशासन की तरफ से राव तहसीलदार व थाना प्रभारी ने धरने पर बैठे लोगों से चर्चा कर इसमें समाजजनों से कहा कि मृतक का परिवार काफी गरीब होने के कारण शासन से 5 लाख की तत्काल सहायता चाहिए। तब तक सहायता नहीं मिलेगी, वे लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हमारे समाज का व्यक्ति यहाँ पे जो मकान दिहाड़ी पे काम कर रहा था, और जो मकान मालिक है वो घटिया कंस्ट्रक्शन के कारण उसका जो छज्जा गिर गया और वो ऑन स्पॉट शांत हो गया और वो मर गया, जो अभी लाश यहीं पे पड़ी हुई है। कल शाम को मकान मालिक यहाँ थाने पे आया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सांठगांठ करके उसको भगा दिया। और जो आज हमारी मुख्य मांग, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि जो है उसको तुरंत सहायता राशि दी जाए और जो है प्रशासन के जो माध्यम से जो सहायता राशि संबल योजना का उसको लाभ दिया जाए। करीब बताया जा रहा है आपको बच्चे के बेटे प्रशासन अभी बात करी है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष हल नहीं निकला है। उन्होंने बोला है कि हम जो आवास योजना का लाभ दे सकते हैं, लेकिन वो जो है पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें उचित मुआवजा, कम से कम 5 लाख रुपए मुआवजा चाहिए। अगर मुआवजा की डिमांड करिए नहीं होती तो क्या अभी तक यहीं बैठे रहेंगे? हाँ, हम यहीं बैठे रहेंगे। गबूर सिंह चौहान, संत रहीदा, दलित कल्याण उत्थान समिति। सर, बाहर जो ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसका क्या करना है? कल एक मकान जो है साईं शक्ति नगर में, मकान में छत का निर्माण हो रहा था, छत डल रही थी, उसमें एक मजदूर है कान्हा पिता मदन, इनकी मृत्यु दुर्घटनावश हो गई थी, वो छत से गिर गए थे। तो आज इनके जो परिजन हैं और समाज के परिजन हैं रंगवासा गांव के, ये लोग सब इकट्ठे हो गए हैं कि चूँकि ये कान्हा है, ये काफ़ी गरीब व्यक्ति था, तो इसके परिवार को मदद हो जाए सरकार के द्वारा। जितनी सहायता इनके योजनाओं में, संबल योजना में, समग्र आईडी के तहत जो भी है वो मिल जाए, इसमें इनको इतनी मदद मिल जाए, और आरोपियों के विरुद्ध लापरवाही का मुकदमा दर्ज होके उनकी गिरफ्तारी हो जाए और चालान न्यायालय में पेश हो जाए। इन चीज़ों को लेके इनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है।